अगर अगर इस वक्त हमारे पास हमारे पावर प्रोजेक्ट हमारे पास होते तो जम्मू में ये हालत नहीं होती, कश्मीर में ये हालत नहीं होती जो इस वक्त हो रही है। मैम, पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में लेटर्स एक्सचेंज हुए, प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्हें, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा है, कहा है कि आप बातचीत करिए, कश्मीर मसले को सॉल्व करिए, तो उसे कैसे देखते हैं मैडम उस स्टेटमेंट को आप? नहीं, ये तो राग तो आज की बात नहीं, ये तो वाजपेयी जी के वक्त में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, उससे पहले शिमला एग्रीमेंट हो गया जब इंदिरा जी के टाइम में ये बात चली, उसके बाद वाजपेयी जी के टाइम में लाहौर एग्रीमेंट हो गया, तो इसमें तो मुझे लगता है कोई चिढ़ने वाली बात नहीं है, ये तो एक मसला है जो मानना पड़ेगा। यूएनओ में हमारा, यूनाइटेड नेशन में ये मसला है, जब तक हम अपने घर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जब तक हम खुद अपने लोगों का दिल नहीं जीतेंगे, अपने लोगों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, लोगों को अपनी तरफ नहीं करेंगे, तब तक तो हमसाया मुल्क बोलता रहेगा, वो तो कुछ ना कुछ कहता रहेगा। इंडिया का स्टैंड तो क्लियर है कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं करता तब तक टॉक्स नहीं होंगे। अभी आपने देखा सुंजवा में जो एनकाउंटर हुआ, दो आतंकी जो है पाकिस्तान से आए थे, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन जब तक आतंकवाद चल रहा है तो बातचीत कैसे हो मैडम? नहीं देखिए, बातचीत कैसे चली, इससे पहले कैसे चली बातचीत, जब वाजपेयी जी थे तब तो वो लाहौर बस लेके गए और दूसरी तरफ से कारगिल का अटैक हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, तो उसके बावजूद उन्होंने बातचीत को चालू रखा, बातचीत को तो बंद। आप पूरे कौम को सजा नहीं दे सकते हैं इसलिए कि कुछ मिलिटेंट हाथों में बंदूक लेके हैं, बिकॉज यू आर पनिशिंग यू नो द ऑल द पीपल ऑफ जे एंड के स्टेट, क्योंकि आपके यहाँ जो जो ये रोज की पकड़ दकड़ है, जो रोज लोगों को बंद किया जाता है, आप देखिए आज हम कहते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने बहुत बात की कि पंचायत राज और डेमोक्रेसी और ग्रास रूट। आपको पता है कश्मीर में जो आपके ग्रास रूट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंच सरपंचज और दूसरे, वो कैसे बंद हैं सिक्योरिटी में, आज वो तरस रहे हैं कि ईद के लिए वो अपने घरों में जाना चाहते हैं, उनको घर भी नहीं जाने देते हैं, और ये बहुत वो राप अलाप रहे हैं कि हमने जी ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जब उनको आप जगहों से निकलने नहीं देते हैं, सिक्योरिटी जोन से बाहर नहीं आने देते, लोगों के पास जाने नहीं देते, यहां तक कि ईद के दिन उनको कहीं जाने नहीं देते, तो फिर कैसे चलेगा? मैम, उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है कि जो इलेक्शंस है वो पीएजीडी को मिलके लड़ने चाहिए, सबको मिलके, सब पार्टी, आप ही पार्ट है उसका, तो देखिये इस वक्त जो हमारी रियासत, क्या पूरे मुल्क में बहुत बड़ा चैलेंज है मगर हमारी रियासत में ज्यादा है, जब से 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह मरकजी सरकार ने हमारा जो स्पेशल स्टेटस है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको खत्म किया, उसके बाद वो जम्मू कश्मीर का वजूद मिटाना चाहती है, शायद इसलिए कि एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, हर तरह से हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को। हमारी यहाँ पूरे मुल्क में ऐसे लैंड लॉज कहीं भी इतने आसान नहीं है जितने जम्मू कश्मीर में बनाए गए, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी 50% काम, क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जमीन की बंदर बांध करना चाहते हैं ताकि एक वक्त आए हमारे जो यूथ है उनके पास पांव धरने के लिए जमीन न रहे। पूरे मुल्क में नौकरियां तो देते नहीं है किसी को, मगर जो जम्मू कश्मीर की नौकरियां उसमें बंदर बांट की पूरे मुल्क में बांट दो। इसी तरह हमारे जो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपको पता है कि एम्स का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, मगर आप जम्मू के लोग सोचते थे कम से कम रेत और बाजरी हम सप्लाई करेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी किसी बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। इसी तरह पीएचई है, पीडब्ल्यूडी है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में है जिसमें सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, जिसमें छोटे छोटे ठेकेदार काम करते थे, छोटी छोटी सप्लाईज करते थे, वो भी पता नहीं कहीं बाहर के स्टेट किसी बड़े बड़े ठेकेदारों को दिया है। तो इसलिए मेरा ये कहने का मकसद है कि दिन ब दिन जो मरकजी सरकार की जो अपने डिजाइंस है, सिनिस्टर डिजाइंस, दे आर बिकमिंग वेरी क्लियर टू अस। तो ऐसे में हम लोगों का इकट्ठा होना खाली इलेक्शन की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो पीएचईडी है इट इज द लार्जर इंटरेस्ट, उस ये एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठा हुआ है, इलेक्शन भी इसमें एक पार्ट बनता है। तो मैं समझती हूँ कि हमें हर चीज के लिए इकट्ठा, खाली इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि हर चीज के लिए मिलके इकट्ठा हमने इस वक्त जो ऑन स्लॉट है उसका मुकाबला करना चाहिए। मैम, ये जब पाकिस्तान से बातचीत की बात आती है तो वाई पीपल आर इनफैक्ट क्रिटिस, रीजन इज दैट नेवर एवर हैड बीन सेइंग समथिंग अगेंस्ट द टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, यू नेवर एवर ट्राई टू ब्लेम पाकिस्तान फॉर सेंडिंग टेररिस्ट। जस्ट आप देखिए 22 को जैश ए मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर आते हैं, सुंजवा आर्मी कैंप में अगर घुस जाते तो इतने मर जाते जस्ट टू स्कटल प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम। उसके बाद कल आईडी होती है हस्पताल के पास, बत्रा हॉस्पिटल जहां लोग जाते हैं, फिर भी अगर हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे तो एंड देन वी से 10 लाख फौज हमारी यहाँ क्या कर रही है,
इफ दे आर नॉट एबल टू डील विद 200, जो यही बोलते हैं ना 100-150 मिलिटेंट है, अगर 100-150 मिलिटेंट के साथ हमारी 1,000,000 फौज उनको डील नहीं कर रही है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फिर हम? यहाँ तो हमारे लोगों का जीना हराम हो गया है एस्पा की वजह से। आप किसी को भी पकड़ के कहीं भी, आपको पता है शुपियन में एनकाउंटर हुआ, फेक एनकाउंटर हुआ, एचएमटी में क्या हुआ, बाकी जगहों पे क्या हुआ, अगर इतनी सारी ताकत दी है हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को, फौज को, कि आप डील करो सिचुएशन के साथ, अगर उसके बाद भी सुंजवा में इंसिडेंट हो जाता है, दूसरी जगह इनसे हमारे 5 सरपंच मारे जाते हैं, तो ये तो मैं समझूंगी कि हमारे तो घर में ही कोई ना कोई कमी है ना, कहीं ना कहीं हम ही फेल हो रहे हैं ना 150 या 200 मिलिटेंट्स को के साथ डील करने में, मे बी वी आर फेलिंग, सो वी शुड ऑल्सो लुक इनसाइड पाकिस्तान। डायलॉग के बगैर तो और कोई चारा नहीं है, वो तो उसके बगैर आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी और भी फौज ले आए और भी लोगों को जेल में डाल दें, बंद कर दें, तिहार ले जाए, यू डोंट हैव एनी अदर वे, बट डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। किसके साथ डायलॉग? जो वाजपेयी जी ने एक रोड मैप दिया था मुफ्ती साहब के साथ मिलकर, उसके बगैर और कोई चारा नहीं, वेदर दे लाइक इट और नॉट। ये तो वाजपेयी जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे मोदी जी, वहां तो वाजपेयी जी के नाम पे जो बनाया है म्यूजियम, जो बनाया है प्राइम मिनिस्टर, वहां क्या लिखा है वाजपेयी जी के कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने पीस प्रोसेस चलाया, फिर तो वो नहीं लिखना होना चाहिए था। इफ दे ऑल्सो एक्नॉलेज कि वाजपेयी जी की सबसे बड़ी उन्नति, सबसे बड़ी अचीवमेंट है पीस प्रोसेस जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो फिर ये खुद क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर बैन का ऑर्डर निकाला है, उस डिसीजन को आप किस तरह देखते हैं, क्या मानते हैं कि एक सेक्युलर डिसीजन है? देखिए, ये जो हमारा मुल्क है ये सेक्युलर बुनियादों पे बना हुआ है, और खासकर जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस जमात जिसमें आगे आगे थी, उन्होंने इस मुल्क की बुनियाद जो है, चाहे अम्बेडकर जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने सेक्युलरिज्म पे इसकी बुनियाद डाली थी, और सेक्युलरिज्म हमारे डीएनए में है, इस मुल्क के डीएनए में है। ये जरूर बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो सेक्युलर फैब्रिक है उसको तार तार करने की, बट डीएनए इज गोइंग टू बी देयर। और जहां तक ये मस्जिदों में अजान का, लाउड स्पीकर बंद करने का, ये इनका जो एक एजेंडा है उसी की एक ये कड़ी है कि माइनॉरिटीज, अभी देखिए कर्नाटका में आज इन्होंने वहां जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर हमला किया, उनकी बाइबल वगैरह जो है उसके साथ बेहरमती की। तो हम योगी जी की क्या बात करें, हमारे तो आज शब कदर का इतना मुबारक दिन था कल, और हमारी जामे मस्जिद कल भी बंद, और आज भी जो हमारा लास्ट फ्राइडे है आज जुमतुल विदा, उस पर भी हमारा, तो ये तो जो है बदकिस्मती से ये हमारे हमसाया मुल्क में मजहब के नाम पे एक उस वक्त उन्होंने भी मजहब का गलत इस्तेमाल करके पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया, और आज तक वो मुल्क जो है उसका खमियाजा भुगत रहा है। उन्होंने मजहब के नाम पे लोगों के हाथ पे बंदूकें दे दी, आज हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, और मजहब के नाम पे बुलडोजर चलता है, मजहब के नाम पे लोगों के हाथों में तलवारें दी जाती हैं, और उनको बाजाबता जो है नौकरी तो दे नहीं सकते आप, महंगाई का आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बिजली पानी बिजली के लिए लोगों में हाहाकार मची हुई है, तो ये काम आप कर नहीं सकते। तो सबसे आसान काम है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ, लाउड स्पीकर की बात करो, हिजाब की बात करो, हलाल की बात करो, दूसरी जो दाढ़ी की बात करो, तो ये और यही चल रहा है इस मुल्क में। और मुझे अफसोस है कि अगर हम भी उसी तरह चलते रहे तो हमारे मुल्क का भी हाल जो है आने वाले वक्त में बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि 20-25 करोड़ मुसलमान, उसके साथ जो क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद दूसरी माइनॉरिटीज हैं, तो आप उनको कहाँ, उनको खत्म तो नहीं कर सकते ना आप, उनको तो रहना इसी मुल्क के अंदर है। लेकिन मैम ऐसा है, जैसे आप बात करते हैं यूपी की, अगर योगी आदित्यनाथ का अगर आप लाउडस्पीकर का ऑर्डर देखिए, वो सब मजहब के लिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं, और रिलीजियस प्रीचर उसको वॉलंटरली उतार रहे, तो फिर इसको रंगत क्यों दी जा रही है? रंगत की बात नहीं है कि आपके हमारे मुल्क में जो है फ्रीडम है, फ्रीडम, हमारा राइट टू फ्रीडम है, यानी कि हम जो मजहब चाहे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये अचानक से इससे पहले हिजाब का इशू आ गया, अब लाउड स्पीकर का इशू आएगा, उसके बाद इशू आएगा, उसके बाद हलाल का, ये तो एक इशू, ये तो खाली लाउड स्पीकर की बात नहीं हो रही है, ये तो दिन ब दिन एक एक चीज की बात कर रहे हैं, और उसके बाद इस तरह माइनॉरिटीज के मकानों को बुलडोजर से उड़ा देना, ये तो सारा एक एक सिनिस्टर प्लान लगता है, ये कोई एक चीज नहीं है, ये तो दिस सीम्स टू बी अ सीरीज ऑफ
एक्शंस दैट दे वांट टू डू टू डिवाइड द सोसाइटी, और कुछ इनकी अपने जो वक्त हैं उनको वो देने के लिए, यू नो, जस्ट टू काइंड ऑफ गिव देम सम काइंड ऑफ थ्रिल, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो नौकरी ये दे नहीं रहे हैं, ये बेरोजगारी का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिजली पानी की किल्लत है, इतनी जगह पे पानी की न होने की वजह से फसलें नहीं लगा रहे हैं लोग, तो ऐसे में और क्या करेंगे, यही हिंदू मुस्लिम क्या का खेल खेल रहे हैं। देखिए मेरे भाई, हम तो यही पीडीपी वाले तो बदनाम थे ना, जब हम कहते थे हमारे पावर प्रोजेक्ट हमें वापस मिलने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पावर प्रोजेक्ट हमें वापस मिल जाते तो हम एक तो हम पहले हमारी जो यहाँ अपनी बिजली की खपत है उसको पूरा करते, हमारे जो इंडस्ट्री के लिए जरूरत है उसको पूरा करते, उसके बाद बिजली हम अपने मुल्क को सप्लाई करते और उससे कुछ कमाते पैसा कुछ हमें, क्योंकि हर अगर आप कोल किसी स्टेट से लेते हैं तो आप उनको रॉयल्टी देते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। तो जब पीडीपी ये बात करती थी तो उन्हें कहा जाता था कि भाई ये जो है।